एडमिशन 2023 की आज ही आखिरी तिथि यानी कि आज तक ही आपका एडमिशन जो है वो यहाँ पे चलेगा एडमिशन नहीं लेने पर एक साल बर्बाद सभी यूनिवर्सिटी ने अपनी नामांकन की अंतिम तिथि जारी कर दी है तो आपको देखना है आप बिहार के किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और सभी यूनिवर्सिटी की अंतिम तिथि क्या है यहाँ पे यानी कि एक से दो दिन में सभी यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे समाप्त हो रहा है तो बहुत बड़ी अपडेट जो भी छात्र अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं उनके लिए बड़ी अपडेट जारी कर दी है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट क्या है और आज किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन का आखिरी डेट है आज के बाद एडमिशन वहाँ नहीं होगा तो सभी यूनिवर्सिटी का आखिरी डेट यहाँ पे देखेंगे तो पूरी वीडियो ध्यान से देखेगा एक एक यूनिवर्सिटी का इसी

जो भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं आज जो है ऑनलाइन की तिथि जो है वो समाप्त हो रही है चार तारीख से शुरू हुआ था और सात जुलाई को आपका नामांकन जो है वो यहाँ पे समाप्त हो रहा है सब यूनिवर्सिटी की बात करेंगे और जिनका जो ऑनलाइन सात जुलाई तक यानी आज तक आप कर लेंगे आज तक आपके पास मौका है ऑनलाइन करने का ऑनलाइन करने के बाद 10 तारीख को आप लोग का मेधा सूची जारी हो जाएगा जो बैंक ऑफर लेटर था वो 10 जुलाई को आपका मेधा सूची दे देगा कि आपको इस कॉलेज uh, में जो है मेधा सूची आया है आपका ब्लैंक ऑफर लेटर जो था उसके बाद जो है तेरह जुलाई तक जो है वो आपका वहाँ पे एडमिशन चलेगा पाटलीपुत्रा यूनिवर्सिटी में ग्यारह से तेरह जुलाई तक आपको ऑफलाइन आप वहाँ पे एडमिशन चलेगा दस जुलाई को आपका मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा है और आज सात जुलाई तक जो है वो आपका ऑनलाइन आवेदन का आखिरी मौका है और ये बता दें आखिरी मौका है स्पॉट एडमिशन का इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा और स्पॉट एडमिशन का नामांकन की प्रक्रिया पहले ही बता दिया था कि बिना ऑनलाइन के स्पॉट एडमिशन अब नहीं होगा तो ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो है वो आज यहाँ पे समाप्त कर रही है और आगे देखिए सभी यूनिवर्सिटी का आपको अपडेट दे रहे हैं कैसे आपको आज आखिरी तिथि में कैसे आपको ऑनलाइन करना है वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा इसी वीडियो में देखिए यहाँ पे मुंगेर यूनिवर्सिटी का बात कर ले तो मुंगेर यूनिवर्सिटी में भी आपका लास्ट डेट जारी कर दिया है यानी यहाँ पे तीन जुलाई से ही आपका स्पॉट एडमिशन चल रहा था और यहाँ पे आठ जुलाई यानी कि कल जो है वो आपका एडमिशन जो है वो समाप्त हो जाएगा और इसमें भी आपको ऑनलाइन ही करना है जो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल ध्यान से कर लीजिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फी एक हज़ार रुपया है फटाफट तरीके से ऑनलाइन आवेदन कीजिए और उसके बाद जो है आपको ब्लैंक ऑफ़र uh, लेटर जो है वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको डाउनलोड करना होगा ऑनलाइन के बाद और कॉलेज में जाकर जो है वो एडमिशन कराना होगा आठ जुलाई तक आपका स्पॉट एडमिशन के एप्लीकेशन का लास्ट डेट है जो कि आपका ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है सभी यूनिवर्सिटी का आपको बता रहे हैं कैसे आपको करना है दो दिन एक दिन बच्चा हुआ है सभी यूनिवर्सिटी में तो पहले ये देख लीजिए उसके बाद सभी यूनिवर्सिटी का डेट जो है मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ करने के लिए आपको गूगल में आना है और यहाँ पे बिहार हेल्प सर्च करना है और डायरेक्ट आपको बिहार हेअ डॉट इन पर आपको आना है अब देखिएगा यहां पे सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी अपडेट यहां पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो छात्र यहाँ पे रुक गए हैं वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आज ही बच्चा ऑनलाइन अप्लाई का आखिरी सकती थी इसके बाद जो है वो आपका ऑनलाइन नहीं होगा स्पॉट एडमिशन में वहीं आपको बता दे अन यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो अन यूनिवर्सिटी की भी आपको अपडेट यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ ब्राबू का सेकेंड मे लिस्ट जो है वो यहाँ पे सेकेंड मे लिस्ट जो है वो वहाँ पे डाउनलोड करने का लिंक जो है वो एक्टिव हुआ है और ये जो है उसके बाद जो है डाउनलोड करने के बाद जो है वो आपका एडमिशन होगा फिलहाल जो है अभी जो है डाउनलोड जो है अभी पूरी तरीके से ब्रावो यूनिवर्सिटी का शुरू नहीं हुआ है शुरू होते ही आपको एक वीडियो आप स्पेशल दे दी जाएगी आगे देखेंगे तो आखिरी तिथि की बात की जाए तो आखिरी तिथि सभी यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे हम बता दें वही आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए तो मगध यूनिवर्सिटी में भी आपका ऑनलाइन जो है वो आपका शुरू हो चुका है और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पहली मेट लिस्ट का है जो आपका एडमिशन चल रहा है उसके बाद जो है ये आपका खत्म होने वाला है इसका भी लास्ट डेट जो है वो आपका खत्म होने वाला है और इसके बाद डायरेक्ट जो है वो आपका सेकेंड मेट लिस्ट जो है वो आपका जारी कर दिया जाएगा तो जो भी फर्स्ट मेट लिस्ट वाले हैं जरूर से आवेदन आप लोग एडमिशन करा लीजिएगा नहीं तो आपका फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा और कहीं ना कहीं फिर से आपका एक साल यहाँ पे बर्बाद हो सकता है वहीं बीर कुंवरसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो बीर कुंवर्सी यूनिवर्सिटी में सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद जो है थर्ड मेरिट लिस्ट का बेट जो है वो जारी है उसके बाद यहाँ पे वीर कुंवरसी यूनिवर्सिटी जो है इस चक्कर में है कि सेकेंड के बाद जो है स्पॉट एडमिशन शुरू किया जाए या थर्ड मेरिट लिस्ट निकाला जाए तो अभी तक कोई अपडेट यहाँ पे वीर कुर्सी की तरफ से नहीं आया है उम्मीद है कि थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो आपका एक से दो दिन में जारी करेगी या स्पॉट एडमिशन जो है वो यहाँ पर शुरू कर देगी क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी जो है वो स्पॉट एडमिशन की तरफ बढ़ चुकी है वही देखें अन्य यूनिवर्सिटी कहता है मुंगेर यूनिवर्सिटी का पहले ही बता दिए कि मुंगेर में जो है कल आपका एडमिशन का आखिर तिथि है यहाँ पर स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है वही पटना यूनिवर्सिटी में बात कर ले तो पटना यूनिवर्सिटी में 1100 सीट बचा हुआ है जिसका स्पॉट एडमिशन जो है वो यहाँ पे लिया जा रहा है यानी पटना यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं स्पॉट एडमिशन के माध्यम से मात्र ग्यारह सीट बचा हुआ है और वहाँ पे भी आपका ऑनलाइन ही किया जाएगा इसके लिए सेम प्रोसेस बताया गया है तो मौका नहीं कबाई अगर पटना यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन समाप्त हो चुका है अब यहाँ पे स्पॉट एडमिशन जो है पटना यूनिवर्सिटी में शुरू हो रहा है तो इसके लिए भी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं वही पूर्णिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे सेकेंड मेरिट लिस्ट का लिंक जो है वो यहाँ पे दे दिया है और उसके बाद जो है वे थर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगा डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन पे आपको लेकर जाएगा और यही आपका एडमिशन का आखिरी मौका होगा इसके बाद कोई मौका आपको नहीं दिया जाएगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी में वही तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भी जो है वो यहाँ पे अंतिम चयन में है बिल्कुल ध्यान से अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो जरूर से एडमिशन करा लें नहीं तो यहाँ पे भी मौका जो है वो आपका निकल जाएगा ठीक है उसके बाद बात कर ले यहाँ पे अन्य यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी की बात कर ले जेपी यूनिवर्सिटी में जो है अभी तो आपका शुरू ही हुआ है तो ये थोड़ा सा चलेगा क्योंकि ये ले, लेट लतीफ़ चलता है जेपी हो जाए या मगध यूनिवर्सिटी हो जाए ये दोनों काफ़ी लेट चलता है तो इसके लिए अगर आप बचे हुए हैं तो टेंशन नहीं है इसमें आपका एडमिशन जो है आपका होता रहेगा बाकी सभी यूनिवर्सिटी जो है वो अंतिम चरण में है तो फटाफट जिस यूनिवर्सिटी के भी आप छात्र हैं एडमिशन ज़रूर से करा ले और यहाँ पे स्पॉट एडमिशन का मौका जो है वो यहाँ पे दो यूनिवर्सिटी में अब समाप्त होने जा रहा है पहला जो है वो आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आज क्लोज कर देगी उसके बाद जो है स्पॉट एडमिशन मुंगेर यूनिवर्सिटी भी आज यहाँ पे कल यहाँ पे आ, क्लोज कर देगी आठ जुलाई तक इसका एडमिशन का आखिरी तिथि है और ये सात जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन का आखिरी तिथि है और जो ऑनलाइन कर लिए हैं वो आप ब्लैंक लेटर जो है वो आपको दस तारीख को जब मेधा सूची जारी होगा जुलाई में दस जुलाई को उसमें आपको नाम मिलाना है कॉलेज में जाकर एडमिशन करा लेना है ठीक है अगर आपका नाम आ जाता है तो 24 घंटे के अंदर आपको एडमिशन जो है वो कराना है स्पॉट एडमिशन में नहीं तो वो सीट किसी और को दे दी जाएगी और आप फिर हाथ मलते रह जाएंगे तो पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी गई है जल्दी करें स्पॉट एडमिशन का जो डेट है वो भी निकल रहा है और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है वो भी रिस्क नहीं लें क्योंकि मेरिट लिस्ट जो है वो अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन में तब्दील होने वाली है तो अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है तो स्पॉट एडमिशन में ज़्यादा पैसा लग रहा है तो उसके मुकाबले आपको अच्छा है कि आप मेरिट लिस्ट में नाम है उसी से आप एडमिशन करा लें नहीं तो स्पॉट एडमिशन में ज़्यादा पैसा लग सकता है देखिए यहाँ पे यंत्र आपको समझाते हैं जैसे स्पॉट एडमिशन में ऑनलाइन कहीं आपको एक हज़ार रुपया लग रहा है जिसमें आपको पहले छः सौ रुपया ऑनलाइन आवेदन का लगता था उसके बाद एडमिशन कॉलेज फी जो है वो बत्तीस रुपये के आसपास लगता था पहले मेरिट लिस्ट में नाम मालने वालों को अगर जिनका स्पॉट एडमिशन करा रहे हैं उनको पैंतीस सौ से सैंतीस सौ रुपया लग रहा है यानी कुल मिलाकर एक हज़ार रुपया जो है एक हज़ार से ग्यारह सौ रुपया जो है वो आपको ज़्यादा लगेगा अगर आप स्पॉट एडमिशन में करवाते हैं तो और मेरिट लिस्ट वाले में आपको थोड़ा सा कम लगेगा ठीक है अंतर यहाँ पे देख सकते हैं अंतर साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है 500 का अंतर यहाँ है और 500-600 का अंतर यहाँ है यानी कुल मिलाकर एक से ग्यारह का अंतर आपको दिख जाएगा ठीक है तो फटाफट शेयर कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन जरू कर लीजिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो